आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से समय के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर ने आज हमें जीवन और श्वास दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें रात भर सुरक्षित रखा और जीवन दिया और श्वास दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटिया कमी है, उसे परमेश्वर पूरा करेगा। आज हम जो चाहते हैं वो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में आज पूरा करेगा और परमेश्वर की योजनाएँ हमारे जीवन में हर पल हर समय हर घड़ी पूरी होती रहेंगी। हालेलुया। आज हमें विश्वास रखना कि परमेश्वर हमारे हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा, हमारे हर प्रकार के काम सफल होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें विश्वास रखना, भरोसा रखना कि परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करने जा रहा, हमें आशीष देने जा रहा है, हमारे जीवन की हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यिर्मयाह द्वारा अध्याय यहाँ पे लिखा है 29 और वचन नंबर 11 में, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, प्रभु की घोषणा है कि तुम्हें समृद्ध करने की योजना है और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की नहीं है, तुम्हें आशा और भविष्य देने की योजना है। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे हर कामों में परमेश्वर हमें फलवंत बनाएगा, हमें आशीष बनाएगा, हमें किसी प्रकार की घटी और कमी को आज महसूस नहीं होने देगा। आज हमारे जीवन में जो भी कुछ है उसमें आज हमें संतुष्ट करना है, और जो हमारे काम नहीं सफल होते, नहीं चलते हैं या बंद पड़े हैं, वो आज हर एक काम खोलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से मैं तुम्हें समृद्ध करने की योजना बना रहा हूँ और तुम्हें नुकसान देने के लिए नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हें नुकसान देने के लिए नहीं मेरी योजना है, तुम्हें फलवंत बनाने के लिए, तुम्हें आशीष देने के लिए, तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करने के लिए। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, रोमियो पुस्तक अध्याय 15 वचन नंबर 13 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यहाँ पर, जब आप उस पर भरोसा करते हैं तो आशा का परमेश्वर आपको सभी आनंद और शांति से भर देता है, ताकि आप पवित्र आत्मा की शक्ति से आशा से भर सकें। हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें विश्वास और भरोसे के साथ हमारे हर प्रकामों में विश्वास रखना है। हर प्रकार के काम, चाहे वो छोटा काम हो, चाहे छोटा बिजनेस हो, चाहे छोटी योजनाएं हो, चाहे कुछ भी हो, आज आपके जीवन में परमेश्वर आपको पूरा करेगा। आपके हर प्रकार के काम सफल होंगे, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से जाएंगी, हर प्रकार के संकट आपके जीवन से जाएंगे, हर प्रकार के दुख आपके जीवन से जाएंगे, जो आज प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। खुदा आज आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक परिस्थिति में, हर प्रकार की बुरी स्थिति में आपको क्या करना है, प्रार्थना करना है, विनती करना है और परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होना है। अपनी विनती के परमेश्वर के सामने उपस्थित करो और परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ के परे हैं, यीशु मसीह में हमारे हृदय को और हमारे मन को, हमारे दिमाग की, हमारे शरीर की, हमारे घर की, हमारी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के कामों में परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा और वो रक्षा करेगा यीशु मसीह के। आज पवित्र लहू के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, इस सुंदर से सुबह के लिए आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, हम जानते हैं कि हर चीज में परमेश्वर उन लोगों की भलाई के लिए काम करता है जो उससे प्यार करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उन्हें उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाया गया है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें हर प्रकार की उद्देश्य के लिए बुलाया गया है, हमें हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की चिंताओं से और हमारे हर प्रकार के कामों में परमेश्वर हमें फल देगा, हमें आशीष देगा। आज हमारे जीवन में कुछ भी हो, हमें विश्वास रखना और भरोसा रखना कि परमेश्वर हमारे जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था, इब्रानियों पुस्तक अध्याय यहाँ पे 13 और वचन नंबर 8 में लिखा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बातें हमें याद रखना है, यीशु मसीह कल और आज और सदैव एक समान है। आज वो बदलने वाला नहीं है कि आज आपके जीवन में दिक्कत है, चिंताएं हैं, मुसीबत है, तो आप परमेश्वर बदल जाएगा। नहीं, वो परमेश्वर कल भी था, आज भी है और आने वाले हमेशा
अनंत काल तक रहेगा, जब तक ये पृथ्वी रहेगी। परमेश्वर हमारे हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार के कामों में परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा, और बीमारियां आपके शरीर से जाएंगी, आपके शरीर से, आपके घर से, आपके परिवार से, वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन टूटेंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है इस तरीके से यूहन्ना अध्याय 3 और वचन नंबर 16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु क्या करे, वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। जो आज विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन पर, जो संसार के लोगों के पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, तो आज हमारे हर प्रकार के काम सफल होंगे, हमारी हर प्रकार की योजनाएं सफल होंगी, हर प्रकार की बीमारियां आज हमारे शरीर से, हमारे घर से, आज परिवार से जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है। आज आप विश्वास करिए, आज आप प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, परमेश्वर आज आपकी जीवन की हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की बीमारियों को आपके जीवन से दूर करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा है कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने अपने इकलौते पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा है कि जगत पर वो जाकर के दंड दे, संसार में आकर के दंड दे यीशु मसीह, नहीं, परंतु इसलिए जगत में भेजा है उसके द्वारा क्या हो, उद्धार पाए लोग, उनके जीवन में काम हो, उनके जीवन में जो अनेक प्रकार की बीमारियां वो दूर हों और उद्धार पाए। आज हमारे जीवन में वही होता है, आज हम आशीष पाते हैं, बरकत पाते हैं, आज हमारे काम धंधे बिजनेस जो बंद पड़े हैं उसमें परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करता है, हमें आशीष देता है, हमारी हर प्रकार की बुराइयों को दूर करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें याद रखना है कि परमेश्वर वो हमें ताकत देता है, वो हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाता है, हर प्रकार की घटी और कमी से हमें परमेश्वर क्या करता है, पूरा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति निकट नहीं आता है, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें विश्वास रखना कि परमेश्वर हमारे हर प्रकार के हालातों में परमेश्वर हमारी मदद करने जा रहा है, हमारे हर प्रकार के बिगड़े कामों में परमेश्वर हमारी मदद करने जा रहा है, परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करने जा रहा है, हमें आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, आत्माओं के लिए, हर प्रकार की शैतानी ताकत के लिए आज हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर परिवार हमारे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी यीशु मसीह के नम से निगल, हे शैतान, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, आज हमारे बच्चों के जीवन से, आज हमारे घर से, हमारे बेटे और बेटियों के जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ। इसी वक्त, इसी घड़ी आज वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, आज हमारे घरों से निकल यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप एक गिलास पानी लिए हैं तो आज अपनी मन की बातों को खोल करके आप अपने परमेश्वर के सामने रखें। आज जिसको आप पुकारते हैं उसके सामने अपने घुटनों को टेक दीजिए। आज परमेश्वर आज आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को आशीष देने जा रहा है। आपको हर प्रकार के श्रापों से, हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से आपको छुटकारा देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। ऐसे वक्त हम आज्ञा देते हैं, ये शैतान, ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, आज जो मेरे बच्चों के जीवन में, आज मेरे घर में, आज मेरे परिवार में, मेरे शरीर में जो बीमारी है, मेरे बच्चों को, मेरे घर में, मेरे परिवार में जो भी समस्याएं हैं, दुख है, चिंताएं हैं, उसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आपके की सृष्टि के मालिक हैं, उद्धार करता और जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। आपके लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज हमारे मन में जो भी कुछ है, आज जो हमने एक गिलास पानी लिया है, वो हर प्रकार की बुरी आत्माएँ, वो हर प्रकार की गंदी आत्माएँ इस पानी में आए यीशु मसीह के नाम से, और उस पानी को पीने के बाद आज मेरे शरीर से वो हर दुष्ट आत्माएँ, गंदी आत्माएँ आज निकलेंगी यीशु मसीह के नाम से। आज मैं अच्छे कामों के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ
दुआ करता हूँ बिजनेस के लिए, कामों के लिए, धंधों के लिए यीशु मसीह के नाम से। आज मैं बहुत सालों से दवा खा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, चिंता में हूँ, मुसीबत में हूँ, अपने बच्चों की शादी करना है, आज मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, हताश हूँ, निराश यीशु मसीह के नाम से। मैं आज आपके सामने प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, हे पिता परमेश्वर सृष्टि के मालिक को उद्धार करता प्रभु, आज हमें छोड़ा, आज हमें हर प्रकार की हथकड़ी से, हर प्रकार के जकड़े हुए, हर प्रकार की शैतानी आत्मा से यीशु मसीह के नाम से हमें आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इसी घड़ी आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। इस बहन को, इस भाई को यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, इसी घड़ी इसी वक्त आज इनके जीवन के विचार, इनके मन, इनके हर प्रकार की जो आज अंदर जो भी दुष्ट आत्माएं बैठी यीशु मसीह के नाम से, कामों में, धंधों में, खेत खलिहान में, बिजनेस में, हर एक चीज़ों में के लिए मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। निकल इसी वक्त, दूर हो यीशु मसीह के नाम से, निकल हे शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं। आज इतने भी बेटी और बेटियां पिता परमेश्वर, आज वो सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, आज हड्डियों में दर्द यीशु मसीह के नाम से। आज जो डिप्रेशन में हैं, आज जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि आज उनके जीवन से वो हर प्रकार के आलसपन, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की कमजोरी, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त आज्ञा देते हैं, दूर यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी बोलिए और आज्ञा दीजिए, आपके मन में जो भी बातें आती हैं आज आप बोलिए, बोलिए आज खुदा आज आपको आज़ाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से आपको परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आज़ाद करने जा रहा है, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से प्रभु आपके जीवन में ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी हर प्रकार की परेशानियों को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को परमेश्वर आज आपके घर से निकालने जा रहा है। आज जो आपके पड़ोसी आपसे जलन रखते हैं, ईर्ष्या करते, लड़ाई करते, झगड़े करते हैं, आज जो मारपीट, अनेक प्रकार की बातें आपके घरों में हो रही हैं, जो झगड़े हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इसी घड़ी में आज्ञा देता हूँ, हे शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं। आज जो कैंसर जैसी भयानक पीड़ित बीमारी से आज जो पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से, आज वो चाहे छोटी से छोटी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी, हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त किसी घड़ी आज वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बेटे और बेटियों के जीवन से यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुसीबत से यीशु मसीह के नाम से आज से दूर कर, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, हर प्रकार की गंदी आत्माओं से यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इसी वक्त इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम से आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आज आपकी प्रार्थना को सुना है, आप उस पानी को पीजिए, विश्वास रखिए कि परमेश्वर ने आपके जीवन से सब कुछ ठीक कर दिया, अच्छा कर दिया है, और आप विश्वास के द्वारा उस पानी को रिसीव करिए, पिलाइए अपने बच्चों को, चाहे अपने घर में किसी भी सदस्य को, उस पानी को दीजिए और पिलाइए, परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जाते जाते इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग प्रार्थना रिसीव करें, उनके जीवन भी परमेश्वर बहुतायत से आशीष। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी गवाहियों को भेजना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी गवाही वीडियो बना करके थोड़ा अच्छी ऑडियो के साथ भेजें, ताकि हम उसे लोगों को दिखा सकें और लोगों के जीवन में आशीष आ सकें। तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी गवाही अवश्य भेजें, जरूर भेजें, ताकि हम दूसरों के जीवन में और आशीष को ला सकें और बरकत ला सकें, और आपके जीवन में परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कमेंट में लिखते कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, अपना बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार जो भी आप दान देना चाहते हैं उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आपके आपके बच्चों को, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, हर एक चीज़ों में परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा यीशु मसीह के नाम से। विदा परमेश्वर, आमीन।